सुप्रभात कक्षा प्रथम बच्चों, विषय आपका हिंदी व्याकरण। तो चलिए आप भी अपनी अनुपम हिंदी व्याकरण पुस्तक खोल लीजिए और इसमें देखिए। इसमें आज हम खोलेंगे बच्चों पेज नंबर 17 और अभी हम पेज नंबर 17 में अध्याय 3 जिसका नाम है मात्रा ज्ञान में दिए गए अभ्यास को कर रहे हैं। तो आज आप देखिए पेज नंबर 17 में यहाँ पर है आपका चौथा नंबर पे, देख लीजिए यहाँ पे नंबर 4 दिया गया है और फिर लिखा है चित्रों को देखिए तथा उचित मात्रा लगाकर शब्दों को पूरा कीजिए। तो यहाँ पर चित्र दिए गए हैं, हमें उन पे क्या करना है, मात्रा लगानी है और फिर शब्दों को पूरा करना है। तो जैसे यहाँ पे घ ळ लिखा है तो घ पे आएगी कि देखो ओ की मात्रा आर की है, ड़ पे आ की मात्रा, तो ये बन गया आपका शब्द घोड़ा। फिर देख लीजिए दूसरा जो चित्र है उस पे तो, तो लिखा है, दो बार तो लिखा है ना, तो देखो पहले तो में हम लगाएंगे ओ की मात्रा, तो फिर तो में आ की मात्रा, तो ता, ये बन जाएगा आपका शब्द तो ता, तो ता। फिर देख लीजिए दूसरे में यहाँ पे म और ल दो अक्षर दिए गए हैं, तो म पे लगाएंगे हम उ की मात्रा मू, बड़े उ की मात्रा, फिर ल पे भी बड़ी ई की मात्रा ली, तो ये शब्द बनेगा मू ली। फिर है यहाँ पे चौथे में देखो ये किसका चित्र है, हाथी है ना, यहाँ पे क्या लिखा है ह और थ, तो ह पे आएगी आ की मात्रा, ये बना हा, थ पे बड़ी ई की मात्रा लगाने पर बन गया शब्द हा थी। तो इस तरह आप भी अपनी पुस्तक में दूसरे चित्र के सामने लिखेंगे तोता, तीसरे में मूली और चौथे में हाथी शब्द लिखेंगे। फिर देख लीजिए बच्चों इसमें नीचे दिया गया है रचनात्मक कार्य, ये कार्य आपको स्वयं करना है। तो यहाँ पर देख लीजिए चित्र में रंग भरिए और इसका नाम पढ़कर लिखिए। यहाँ पर देखो ये आपको चित्र दिया गया है आपका, फिर उसका नाम पढ़ना है, यहाँ पे नाम लिखा है तो जिसे आपने पढ़ना है इसका नाम पढ़कर लिखिए कि इसमें कौन कौन सी मात्राएं हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए बच्चों ये फूल है, ये फूल, ये देखो नाम लिखा है, ये फूल है सूरजमुखी का, जिसे आप इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सनफ्लावर, तो ये सूरजमुखी का फूल है। और सूरजमुखी का फूल आपको पता है किस कलर का होता है, येलो कलर का, ये बीच बीच में यहाँ पे ये ब्राउन से होते हैं, ब्राउन येलो होते हैं, और यहाँ ये पंखुड़ियाँ उसकी क्या होंगी, येलो कलर की होंगी। फिर पत्ती टहनी उसकी क्या होगी, ग्रीन कलर की होगी ना। तो यहाँ पर देख लीजिए सूरजमुखी शब्द में कौन कौन सी मात्राएं आई हैं, देखो सौ पे बड़े ऊ की मात्रा लगी है, और ये यदि आपको दिखाई दे ये बड़ा ऊ और बड़े ऊ की मात्रा इस तरह से लगती ना, ये बड़े ऊ की मात्रा सु, फिर र और च, और उसके बाद है मौ, मौ पे क्या है छोटे ऊ की मात्रा, ये छोटा ऊ और छोटे ऊ की मात्रा इस तरह से लगती ना, मुंह मुंह, और फिर है ख, ख पे है बड़ी ई की मात्रा, बड़ी ई, ये आपका बड़ी ई और बड़ी ई की मात्रा इस तरह से आती ना। तो आप यहाँ पे जो आपके डॉट्स दिए गए, आपको लाइन दी गई है, आप पे यहाँ पे लिखने का प्रयास करेंगे जिस तरह हमने लिखा है, ऊ और ऊ की मात्रा इस तरह से, फिर छोटे ऊ, छोटे ऊ की मात्रा इस तरह से, फिर बड़ी ई, बड़ी ई की मात्रा ये इस तरह वर्ण के पीछे से। तो इस तरह से आप भी यहाँ पे सूरजमुखी शब्द को पढ़ेंगे, फिर मात्राओं को पहचानने की कोशिश करेंगे और फिर इस तरह से यहाँ पर लिखेंगे, लिखकर बताएंगे कि कौन कौन सी मात्राओं का प्रयोग इस शब्द में किया गया है, और साथ ही साथ यहाँ पे सूरजमुखी के चित्र में रंग भरने का भी प्रयास करेंगे। तो आज आप
सूरजमुखी में सुंदर सा रंग करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए बच्चों, आज आप पेज नंबर में 17 में दिया गया 4 नंबर में जो आपको दिया गया है, चित्रों को देखकर उचित मात्रा लगाकर शब्दों को पूरा कीजिए। तो यहाँ पे यह कार्य और फिर रचनात्मक कार्य आपको अपनी पुस्तक में ही करना है। तो चलिए बच्चों, यह कार्य कर लीजिए। धन्यवाद बच्चों।